हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ यानी कि एच एस सेकेंड ईयर की एजुकेशन की, की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर जिनका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो जिनका प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हुआ है उनको तो मेरा एक ही सलाह है सबसे पहले आप ईयरली क्वेश्चन को सॉल्व करो आठ से दस साल का उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हर साल पेपर्स आते कैसे हैं और जिन लोगों ने सिलेबस को कम्प्लीट कर लिया है वो भी काइंडली सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो है एयरली पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते कहाँ कहाँ कहा से कौन से कौन से टॉपिक से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ बहुत लोग हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं उनको पता नहीं चलता है कि ये पी डी से मिलेगा क्या क्या पढ़ना है नहीं अगर ये पी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में छोटी सी पेमेंट करके आप ये ले सकते हो और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे दे देना मैं आपको ये पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो हम लोग ना स्टार्ट करेंगे वन मार्क वाले क्वेश्चन से टू थाउजेंड फोर्टीन से लेकर टू थाउजेंड तक हम लोग जो है ना ये देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे टू थाउजेंड फोर्टीन में किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं तो आप देखोगे यहाँ पे तो जैसे कि कुछ फिलिंदा बैलेंस आएंगे जैसे कि यहाँ पे आसम सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड कौन से साल में हुआ था ठीक है तो एंसर्स के साथ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्जाम पास आ रहा है इसलिए मैं सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जहाँ तहाँ भटकना ना पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है द नेम ऑफ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया क्या था फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया ठीक है तो वो था भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है ठीक है तो ये तुम्हारा आठ मार्च है तो ऐसे तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो फील्ड द ब्लैंक्स के रूप में या तो वन मार्क वाले क्वेश्चन के रूप में जो है ना वो आते हैं तो ये हमारा क्या है दो चौदह का पेपर है ठीक है कई बार और एक बात याद रखना जो लास्ट चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर सेवन वहाँ से ना एक फार्मूला के रूप में कई बार क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं कभी मीडियन के बारे में पूछ दिया जाएगा कभी मीडिया मीन के बारे में कभी मूड के बारे में कभी क्वाटाइल डिविशन के बारे में कभी रेंज के बारे में तो फार्मूलाज जो ना आप लोग याद कर लेना फार्मूलाज भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसके बाद ये हो गया हमारा 2015 का क्वेश्चन तो 2015 का ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे ठीक है तो मैं सारा क्वेश्चन को डिस्कस करते नहीं रहूँगा इस वीडियो को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि सारा क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम के पहले डिस्कस करता रहा हूँ तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा ठीक है तो ये वन मार्क वाले क्वेश्चन जो है ना ये हो गए 2016 16 सोलह का ये क्वेश्चन आ गया देखो ये फ्री इन द्लैंक्स के रूप में यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा फ्री इंद ब्लैंक्स के रूप में ठीक है फिर जैसे मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है कि जो फार्मूला के रूप में होता है तो कोई यहाँ पे एज्यूम मीन का फॉर्मूला के बारे में पूछा गया तो देखो तो पेपर मैं सॉल्व करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पेपर सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जैसे फॉर्मूला वाला मैंने एक आइडिया दे दिया कि फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ठीक है तो वैसे ही सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि फिरिंदा ब्लैंक्स किस तरीके के किस रूप में पूछ जाते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इंटरनेशनल वुमन्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है फिर फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी तो ये देख रहे होगी क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं तो ये आइडिया अगर आपको लग जाता है ना तो फिर एग्जाम देना जो ना एकदम ईजी हो जाएगा पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा तो ये सब सारे वन मार्क वाले क्वेश्चन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे क्वार्टर डिविजन का फॉर्मूला पूछा गया तो ये इस तरीके से फिलिंदा ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन वन मार्क वाले क्वेश्चंस हो गए उसके बाद जो है टू मार्क वाले क्वेश्चंस देखो ये फार्मूला वाला एक और यहाँ पे फार्मूला आ गया है ना ये थर्ड क्वार्टर के बारे में थर्ड क्वार्टर डिविजन तो ये ग्रुप के बारे में फार्मूला है तो आई होप कि आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा फिर ये टू मार्क वाले क्वेश्चन टू मार्क वाले क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखना है ये भी हमारा दो हज़ार चौदह का पेपर है उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जहाँ पे सॉल्व करना होगा तो ये मीन मीडियन और मूड में से तीनों में से कुछ भी एक दिया होगा और आपको जो है ना वो दो दिया होगा दो में से और तीसरा जो है ना हमको कुछ निकालना होगा कि मान लो कि मीन और मीडियम दिया हुआ है हम लोग को मोड निकालना है या फिर मोड़ दिया हुआ है मीडियम दिया हुआ है मीन निकालना होगा इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो ये जो है ना हमारा क्वेश्चन हो गया ठीक है उसके बाद ये सब सारे जो ना है ना तो टू मार्क वाले क्वेश्चन हैं तो टू मार्क वाले क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है तो ये 2020 तक है अगर आपको ये पी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में एक छोटी सी पेमेंट करना और इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर आप मुझे सेंड कर देना मैं आप लोग को वहीं पर आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा इस पी को ठीक है फिर चार मार्क वाले क्वेश्चन तो चार मार्क वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चनस आता है और ये पॉइंट वाइज अगर पढ़ोगे ना तो ये जल्दी याद हो जाएगा इसलिए हमने क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे ही रखे हैं जो उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं पैराग्राफ वाइज जो आंसर्स होते हैं ना उनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना क्वेश्चंस जो है आंसर्स है वो पैराग्राफ वाइज है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो साथ ही साथ जो न, ये है ये प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं ये प्रैक्टिकल्स आप लोग जो है वो सॉल्व कर लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आध अगर कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है प्रैक्टिकल्स वगैरह तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना उस पर ठीक है तो ये सब जिस तरीके से फोर मार्क वाले क्वेश्चन हो गए खत्म हो गए उसके बाद देखना सिक्स मार्क वाले क्वेश्चन और फोर मार्क वे फोर मार्क वाले क्वेश्चन में भी प्रैक्टिकल आते हैं और सिक्स मार्क वाले क्वेश्चन में भी प्रैक्टिकल आते हैं तो सिक्स मार्क वाले क्वेश्चन और फोर मार्क वाले क्वेश्चन में देखना आप लोग पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लेना और सिक्स मार्क वाले क्वेश्चंस में क्या होगा लंबे जैसे कि एज्यूम मीन से या फिर तुम्हारा क्वार्टल डिवीजन निकालना इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आप देख लो ये पाई डायग्राम कितनी बार आ रहा है तो ये पाई डायग्राम वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो चार मार्क वाले में होगा और जैसे यहाँ पर भी फिर से पाई डायग्राम आ गया तो ये दो तक आ गया ठीक है उसके बाद हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना है ये बार डायग्राम ये बार ग्राफ भी आता है ये बार ग्राफ को भी देख लेना अच्छे तरीके से हिस्टोग्राम के रूप में उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि सिक्स मार्क वाले क्वेश्चन होंगे ये ठीक है सिक्स मार्क वाले क्वेश्चन में जो है ना यहाँ पे ज़्यादातर क्वार्टल डेविएशन के बारे में पूछा जाता है बनाया क्वेश्चन आता है तो क्वाटल डेवियशन को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना मैं दिखा देता हूँ कि सब कितनी बार ये ज्यूम मीन या फिर स्टेप डेविएशन या तो क्वार्टल डेवियशन इस तरीके के जो है ना सम्स जो है वो छः मार्क वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो वापस दोबारा आ गए तो मेरा कहने का मतलब यही है बाकी सारे चैप्टर्स का भी सब्जेक्ट्स का भी मैं ईरली क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आडिया लग जाए आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पी चाहिए तो मैंने आप लोगों को बताई दिया कि आप लोगों को करना क्या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में छोटी से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करवा देना मैं यू पी आप लोग को वहीं प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है उसके बाद भी अगर कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना या फिर आप मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो काइंडली ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर करना हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय